हेलो जियोलॉजिस्ट, हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कॉल स्नोबॉल गार्नेट? कभी सोचा है हम स्नोबॉल गार्नेट क्यों बोलते हैं? गार्नेट तो गार्नेट होता है, फिर स्नोबॉल गार्नेट क्यों? ठीक है, स्नोबॉल गार्नेट मतलब जब भी हम गार्नेट के बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में हमेशा ये ऐसा एक पिक्चर आता है, एक परफेक्टली योहेड्रल नाइस गार्नेट, ऐसा एक दिमाग में आता है गार्नेट, योहेड्रल गार्नेट। ठीक है, बट ये स्नोबॉल गार्नेट क्या है? स्नोबॉल क्यों बोलते हैं? स्नोबॉल गार्नेट एक, ये तो हमारा प्राइमरी गार्नेट हो गया, ये जो कि क्रिस्टलाइज होके हुआ है, क्रिस्टलाइज होके हुआ है। लेकिन जो स्नोबॉल गार्नेट है, वही गार्नेट जब राउंड हो जाता है, ये राउंड के जब हो जाता है, उसको हम स्नोबॉल गार्नेट बोलते हैं। लेकिन स्नो क्यों, स्पेशली स्नोबॉल क्यों बोलते हैं उसको? कभी कभी दिमाग में बैठा होगा, कभी देखना, कभी एक स्नो एरिया में जाओगे तुम, ठीक है, तुम स्नो को हाथ में ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, तो वो बॉल बनाना है तुमको, तो कैसे बनाते हो उसको? ऐसे ऐसे राउंड करके ऐसे 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 घुमाते हो ना, बहुत रोटेट करते हो ना, रोटेट करने के बाद ही वो एक बॉल जैसा बनता है। एग्जैक्टली स्नोबॉल गार्नेट में वही हाल है उसका। इसीलिए ये क्या होता है कि स्नो के जैसा बहुत रोटेट हुआ है, बहुत रोटेट। इसके साथ में एक टर्म हमेशा याद रखना, एक्सटेंसिव रोटेशन, एक्सटेंसिव रोटेशन, रोटेशन। ठीक है, ये जब गार्नेट बहुत ज्यादा ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, तभी जाके इसको हम स्नोबॉल गार्नेट बोलते हैं, क्योंकि स्नो को भी बॉल बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा रोटेट करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसको बहुत ज़्यादा रोटेट करते हैं, स्नोबॉल गार्नेट मतलब बहुत ज़्यादा रोटेट हुआ है, ठीक है, राउंड शेप हुआ है। और एक चीज़ इस स्नोबॉल गार्नेट में देखोगे, इसका जो इंक्लूजन है ना, वो उसका ऐसा होगा कुछ, ठीक है, ये उसका फोलिएशन प्लेन ऐसा होगा, ऐसा एक फोलिएशन प्लेन, उसका जो आउटर फोलिएशन ऐसा होगा, ऐसा करके जाएगा। स्नोबॉल गार्नेट इसका एक राउंड गार्नेट होगा, स्नोबॉल गार्नेट। ये राउंडनेस किस लिए? क्योंकि शियरिंग वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली उसका रोटेशन हुआ है, इसीलिए जो गार्नेट था वो राउंड शेप हो गया उसका। और क्या होता है स्नोबॉल गार्नेट का, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको सिनटेक्टोनिक बोलते हैं हम। सिनटेक्टोनिक मतलब, सिनटेक्टोनिक बोलते हैं, सिनटेक्टोनिक गार्नेट। सिनटेक्टोनिक क्यों मतलब, ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, जब ये शियरिंग चल रहा था उसी टाइम ही ये गार्नेट फॉर्म हुआ है, इसका रोटेशन हुआ है इस शियरिंग की वजह से। जब डिफॉर्मेशन चल रहा था, टेक्टोनिक इवेंट चल रहा था, ये शियरिंग ऐसे चल रहा था, ऐसे शियरिंग चल रहा था, तभी इसका फॉर्म हुआ है ये गार्नेट, ठीक है। कि और इसीलिए इसका क्या होता है, उसका जो आउटर फोलिएशन, इसको हम आउटर फोलिएशन बोलते हैं, आउटर फोलिएशन, ये सब बाहर का आउटर फोलिएशन, और ये इंटरनल फोलिएशन, ठीक है। ये जो इंक्लूजन है, ये सब इंक्लूजन होता है, ये इंटरनल फोलिएशन इसके साथ कंटिन्यूस रहेगा, ऐसे इसके साथ इसका कंटिन्यूशन रहेगा ऐसे, ठीक है। तो इसी को स्नोबॉल गार्नेट बोलते हैं। तो स्नोबॉल गार्नेट में हमेशा याद रखो, ये स्नोबॉल इसीलिए क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रोटेशन मिला है और राउंडेड हो गया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रोटेशन के वजह से उसको राउंडेड हो गया है, तो इसीलिए उसको स्नोबॉल गार्नेट बोलते हैं, एक्सटेंसिव रोटेशन मिला है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ये सीन टेक्टोनिक टाइम में बना हुआ है, मतलब जब भी ये शियरिंग हो रहा था तभी ये जो गार्नेट इसका शेप ऐसा हुआ है। क्यों क्यों इसका क्योंकि इसका जो आउटर फोलिएशन है कंटिन्यूअसली विथ इंटरनल फोलिएशन, इंटरनल फोलिएशन, ये जो इंक्लूजन है स्नोबॉल गार्नेट में हमेशा देखोगे इंक्लूजन होता है, इंक्लूजन इंक्लूजन सब ऐसे शेप ले लेता है, ठीक है, इसलिए इसको स्नोबॉल गार्नेट बोलते हैं, ठीक है, स्नोबॉल गार्नेट।